नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार रोक रही है। पुलिस ने इस दौरान पूर्व सांसद राकेश सचान को भी हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पूर्व सांसद और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजाजत नहीं मिल रही राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर आने की, वहीं कार्यकर्ताओं को भी लगातार रोका जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से मिल सके और उनको बाहर लाने की पूरी कोशिश कर सके। वहीं पुलिस बल को आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट के बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। और वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल भी लखनऊ आए थे तो उनके साथ भी यही हाल किया गया था, उनको भी लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए थे। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी उन्हें जब बाहर नहीं जाने दिया गया तो वापस वो दिल्ली रवाना हो गए। वहीं आज राहुल गांधी लखनऊ आने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो है सारे लोग राहुल गांधी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस रोके हुए है, कह रही बैरिकेटिंग, धारा 144 लगी, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लोकतंत्र में सरासर तानाशाही का काम किया जा रहा है। कल तक प्रधानमंत्री आ रहे थे, कोई धारा 144 नहीं लगी थी। आज अगर किसानों से मिलने के लिए चन्नी जी और राहुल जी और बघेल जी ये सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको उनसे मिलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बैरिकेटिंग लगा करके यही रोका जा रहा है। के बाद अब विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जैसा कि विपक्ष सारा विपक्ष डेलीगेशन लखीमपुर पहुंचने के लिए तैयार है। और आपको बता दें, जैसा कि कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल लखनऊ पहुंचे थे और उन्हें एयरपोर्ट परिसर में ही रोक लिया गया था और लगभग 3 घंटा वो वहाँ ज़मीन पर बैठे रहे और इस दौरान उन्होंने वर्चुअली माध्यम से मीडिया से और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसको लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के चौधरी एयरपोर्ट पे, जहां पर आपको देख सकते हैं किस तरह से उनको रोकने के यहां पर इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी फोर्स के साथ यहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और तमाम तरह के यहां पर सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। उनको रोकने के लिए की कवायद यहां पर शुरू हो गई है। और आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले और इनको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और एसएसबी फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। अब देखने वाली बात यह होगी, जैसा कि बताया गया है कि लगभग 12:30 बजे राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और यहां पर पुलिस द्वारा उनको रोका जा रहा है और बाहर एयरपोर्ट के जो एंट्रेंस गेट पर भी जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है और वहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको यहाँ से निकलने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। और कहा जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 2 दिन से वहाँ पर डिटेन कर रखा है सीतापुर में, जैसा कि कहा जा रहा है यहाँ पर पहुँचने के बाद राहुल गांधी सीतापुर भी जाएंगे और लखीमपुर किसान पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट परिसर से निकलने दिया जाता है या नहीं निकलने दिया जाता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। राहुल गांधी अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है और धारा 144 भी लागू की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से। तो अजहर, क्या इस वक्त की स्थिति है एयरपोर्ट पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं मेरे तस्वीरों में, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर एसएसबी फोर्स तैनात है और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, तमाम तरह की तैयारियां कर दी हैं। राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको रोकने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के एसएसबी फोर्स लगते हैं और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। और अब कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिन्हें रोकने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर फोर्स तैनात कर ली गई है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से फ्लाइट पर बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी,
हम चाहेंगे कि आप कार्यकर्ता अगर वहां पे मौजूद है कोई कांग्रेस का तो उससे भी बात करने की कोशिश करें सर। जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे जिनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और अभी भी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम आप बिल्कुल आपकी बात कराना चाहेंगे। लेकिन अभी देखा जाए जैसा कि पुलिस जो एसएसबी फोर्स है और जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को लगातार हटाती जा रही है और एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट की अगर हम बात करें तो वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी तरह का कोई भी कार्यकर्ता को अंदर आने नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर कार्यकर्ता अगर जो मौजूद भी है उन्हें पुलिस लगातार पीछे हटाती जा रही है और बाहर से ही एयरपोर्ट एंट्रेंस गेट से ही उन्हें रोक दिया जा रहा है। जी, तो कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है या फिर वहां से कहीं दूर ले जाया जा रहा है सर? जी बिल्कुल, उनको एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस गेट है जो एयरपोर्ट मार्ग कहाँ से शुरू होता है वहां पे ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है और कार्यकर्ताओं को और तमाम जो नेता है वहां उनको वहीं पे ही रोक दिया जा रहा है और जो वहां से उन्हें दूर किया जा रहा है एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट परिसर के अंदर तो उन्हें बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जा रही है, पूरा एयरपोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। जी, हम आपसे चाहेंगे अजर कि आप वो गेट भी दिखाएं जहां पे भूपेश बघेल जिस गेट के बाहर बैठे हुए थे, अब क्या वहां पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एयरपोर्ट का वो अराइवल गेट है जहां पर इसके अंदर से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो येलो कलर का गेट आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, इसके अंदर से ही यहाँ पर जो अराइवल गेट है अराइवल के अंदर से ही जो जहाँ पर बोलिंग होती वहां पर ही भूपेश बघेल वो वहां पर बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो अराइवल है यहाँ से ही जो भी आने वाले यात्री होते हैं वो यहाँ से ही आते हैं और ये अराइवल के अंदर जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अंदर ही बैठे हुए थे जहाँ पर बोलिंग होती है वो वहीं पर ही लगभग 3 घंटा सर। क्या इसी गेट से राहुल गांधी के भी बाहर आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर से आपको बता दें यहाँ पर इसी गेट से ही अगर उन्हें आने बाहर आने दिया गया तो इसी दौर यहाँ से ही आएंगे और लगभग आपको बता दें कि लखनऊ में धारा 144 लागू है, ऐसे में उनका बाहर आना कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाएगा और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात है अंदर रोक लिया है। जी, इस वक्त माहौल कैसा है, क्या शांति व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पे या फिर किसी तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है? नहीं बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पे जो कार्यकर्ता है ट्रेन कर लिया गया और पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और शांति व्यवस्था बनी हुई है और तमाम तरह की जो शांति है वो यहाँ पर कोई यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं, कार्यकर्ता को बाकी ट्रेन कर दिया गया है शांति व्यवस्था पूरी तरह से। जी अजहर, कुल कितने लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ लखनऊ? जिसको बताया गया है 3 लोगों का डेलीगेशन जो है वो राहुल गांधी के साथ आ रहा है, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खुद राहुल गांधी, लगभग 3 लोगों का डेलीगेशन है। 144 लागू होने की वजह से लगभग 3 लोगों का जो कांग्रेस डेलीगेशन है वो आने वाला है, जैसा कि पता चल रहा है 3 लोगों का जो डेलीगेशन है वो आने वाला है। जी अजय, जिस तरह से प्रियंका गांधी हिरासत में है, क्या राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया जा सकता है क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और अगर स्थिति ऐसी बनती है तो हो सकता है, यह तो आने वाला समय बताएगा, फिलहाल उन्हें रोकने की यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी गई है, एसएसबी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कई तरह के फोर्स यहाँ पर मौजूद है, उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, किसी भी तरह के कार्यकर्ताओं को अंदर एंट्री नहीं कराई जा रही है और अगर स्थिति वैसी बनती है तो हो सकता है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। जी को पूरी स्थिति के बारे में वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए ताकि स्थिति साफ हो जाए, कितने कार्यकर्ता वहां पे मौजूद है और कितने पुलिस बल वहां पे तैनात है। बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर मौजूद है, जो कार्यकर्ता है उनको हटा दिया गया है, यहां पर पुलिस बल है जो एसएसबी फोर्स है वो यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल मौजूद है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। अजहर, क्या अपडेट है, कितने बजे तक फ्लाइट आ सकती है राहुल गांधी? बिल्कुल, अब से लगभग 20 से 25 मिनट में हो सकता है राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाए और उन्हें फिर वो वहां से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगभग 20 से 25 मिनट में राहुल गांधी के पहुंचने की
हर एक छोटी बड़ी अपडेट पे नजर बनाए रखिए अजहर और अपडेट करते रहिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर में हमारे साथ अजहर खान संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो कि हमें चौधरी चरण सिंह लखनऊ के एयरपोर्ट से पूरी अपडेट दे रहे थे। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं राहुल गांधी के आगमन के अवसर पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, हालांकि पुलिस सुरक्षा बल के चलते उन्हें रोक दिया गया है। एयरपोर्ट के गेट के पास तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस तरह से अब तस्वीरें दिख रही हैं, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और राहुल गांधी को भी अभी अनुमति नहीं मिली है, इजाजत नहीं मिली है एयरपोर्ट से बाहर निकलने की। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।